जी, ग्रामीण भारत संवाद में आपका स्वागत है विधायक जी। जी, आपका भी जी। बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। ये जो हमने मुहिम चलाई है इस लॉकडाउन के अंतर्गत, जो हमारे जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं, जी, वो कहीं ना कहीं अपनी बात रख सकें, किसानों के मुद्दे रख सकें, छात्रों के मुद्दे रख सकें, तो एक ये मुहिम चलाई हमने। तो सबसे पहले मैं अपने परिचय से स्टार्ट करता हूं जी। मैं हूं नेपाल सिंह राणा, विधानसभा थाना भवन, जनपद शामली का रहने वाला हूं, जनपद शामली का रहने वाला हूं। और आप हैं वीरपाल राठी जी, पूर्व विधायक छपरौली विधानसभा बागपत। जी, बागपत। जी, छपरौली विधानसभा बागपत, निवासी टीकरी, नगर टीकरी के रहने। जी 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 जी। तो विधायक जी, मेरा आपसे पहला सवाल है, आपका अभी तक का राजनीतिक सफर कैसा रहा? देखिए, हमारा राजनीतिक सफर जो है, हमने किसानी खेती का काम किया हमेशा। जी। और सन 1977 में मैंने अपने गांव से, हरचंद बल जैन इंटर कॉलेज से, जी, हाई स्कूल शिक्षा प्राप्त की। जी। उसके बाद मैं 1978 में राष्ट्रीय किसान इंटर कॉलेज शामली में चला गया पढ़ने के लिए। जी। और वहां पर मैं उस वर्ष परीक्षा नहीं दे पाया बीमार होने के कारण। जी। 1979 और 80 में मैंने इंटरमीडिएट किया डीएवी इंटर कॉलेज किशनपुर बिराल से। जी। और सन 1980 में जब मैंने इंटर क्लास पास की, तो उसी वक्त हमारे यहाँ एक आंदोलन, देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी, जी, उन्होंने चलाया था। एक महिला थी माया त्यागी। जी। उसके साथ बड़ी बब्बरता की थी पुलिस ने, उसे नग्न कर दिया गया था। आंदोलन चलाया था चौधरी साहब ने, और उसमें जेल भरो आंदोलन भी चला था। मैं जेल भरो आंदोलन में हिस्सा लिया, और वहीं से मैं जो प्रेरणा मिली राजनीति मारने की, मैंने अपनी राजनीति की जो शुरुआत की सन 1980 से की। उसके बाद सन 1991-92 में मैंने एक कोऑपरेटिव बैंक जिला मेरठ, उसका चुनाव लड़ा, लेकिन उसमें असफलता प्राप्त हुई। वो संचालक कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव था, दो ब्लॉक का चुनाव था, सफलता नहीं मिल पाई। उसके बाद हम लोग जो है जिले के अन्य पदों पर राष्ट्रीय लोकदल से प्रभावित थे, चौधरी चरण सिंह की नीतियों से जुड़े हुए लोग थे, उन्हीं की नीतियों से प्रभावित होकर हम जिला संगठन में काम किया। हमने अनेक पदों पर, यही जिला अध्यक्ष चौधरी चरण सिंह विचार मंच के पद पर भी मैं रहा अपने जिले में। उसके बाद 2012 में मुझे विधायक चुना गया। जी। और विधायक राष्ट्रीय लोकदल से बना, सोलहवीं विधानसभा में आप विधायक रहे। जी, 2012 से 2017 तक मैं विधायक रहा, चौधरी अजीत सिंह जैन चौधरी के आशीर्वाद से, उन्हीं की पार्टी से मैं बना था। और उसके बाद उन्होंने 2017 में फिर मुझे पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसान प्रकोष्ठ, हमारा जो किसान मोर्चा संगठन है, उसका पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रेसिडेंट बना। जी। हमारा राजनीतिक कैरियर जितना भी रहा वो एक ही पार्टी से जुड़ करके रहा, वो है किसानों का दल, राष्ट्रीय लोकदल। चौधरी अजीत सिंह जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जी। ये हमारा कैरियर रहा। जी। आप सभी दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूँ, आदरणीय विधायक जी वीरपाल राठी जी छपरौली विधानसभा को रिप्रेजेंट करते थे, और अभी जो है बागपत में मुख्यतः तीन विधानसभाएं आती हैं, आप मुझे सही कर सकते हैं आदरणीय विधायक जी, बागपत और बड़ौद और छपरौली। तो आप 2012 से 2017 के बीच सिटिंग एमएलए थे राष्ट्रीय लोकदल के टिकट से। जी। तो हमारे जो दर्शक हैं वो ये जानना चाहते हैं कि 2017 में ऐसा क्या हुआ था कि आपका टिकट
आप सिटिंग एमएलए थे लेकिन आपका टिकट काट करके सहेंद्र रमाला जी को राष्ट्रीय लोकदल ने कहीं ना कहीं टिकट दे दिया था, तो थोड़ा ये बताइए आप जी। देखिए 2017 में हमारा टिकट काट दिया गया था जी, पार्टी का अपना एक स्टैंड हो जी, उसमें अगर जो प्रत्याशी रहे जो पर्दे पर रहे, पर्दे पर रहने के बावजूद उसके निगेटिव वोट भी हो जा जी, तो पार्टी लीडर हमेशा ये सोचता है कि निगेटिव वोट ना बने, इसलिए प्रत्याशी को बदल दिया जा। और मैं 2012 में जो चुनाव लड़ा था 22,000 वोटों से मैंने जीत दर्ज की थी जी, और उसके बाद 2014 में मेरे नेता चौधरी अजीत सिंह जी ने चुनाव लड़ा था जी एमपी के पद पर जी। 2014 में चौधरी अजीत सिंह जी 14,000 से मेरी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी छपरौली में हार चुके थे चुनाव जी, तो उनके हारने का कारण कहीं ना कहीं उनकी ये भी समझ रही कि आजकल जो प्रत्याशी है वो नया प्रत्याशी दिया जाए और एक ऐसा प्रत्याशी भी दिया जाए जो जनता में कुछ धन बल का भी प्रयोग कर सके, क्योंकि आजकल जो चुनाव हो धन बल के आधार पर हो। इसलिए सहेंद्र सिंह रबाला को टिकट दिया गया था और मुझे विश्राम दिया गया, लेकिन पार्टी में मेरा कभी, लेकिन मैं आपको माफी चाहूंगा, आपको रोकना चाहूंगा। सहेंद्र रमाला जी एक अकेले एमएलए थे जो कि छपरौली विधानसभा से जीते थे राष्ट्रीय लोकदल से 2017 में, और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अब वो राष्ट्रीय लोकदल को छोड़ के भाजपा उन्होंने ज्वाइन कर ली है पिछले कुछ दिन पहले, और जबकि एक जो सिटिंग एमएलए थे 2012 से 2017 में आदरणीय वीरपाल लाठी जी सीपे सलार रहे हैं चौधरी चरण सिंह जी के टाइम से, तो उनका टिकट काट दिया गया, कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान खड़ा करता है, तो इस पर आपका क्या कहना है जी? देखिए सवालिया निशान इस पर इसलिए नहीं खड़ा किया जा सकता कि मैंने बताया कि मेरे कार्यकाल में जब चौधरी अजीत सिंह जी 14,000 वोट से हार गए तो ये तो जरूरी था कि प्रत्याशी बदला जाए, इस पर सवालिया निशान की आवश्यकता ही नहीं जी। लेकिन उन्होंने मेरे सम्मान में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी, आज भी पूरा सम्मान है, मुझे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बना गया। और जहां तक सवाल है, सहेंद्र सिंह रमाला को बड़ा सम्मान दिया चौधरी साहब ने, जबकि वो पार्टी में भी नहीं था जी। उसके बावजूद भी चौधरी अजीत सिंह जी ने उन्हें एमएलए बनाने का काम किया, और जबकि वो इतनी ख्याति प्राप्त व्यक्ति भी नहीं था कि भाई, लेकिन फिर भी चौधरी साहब ने अपना जो चुनाव किया कुछ अच्छा समझ के ही चुनाव किया था उनका। और चुनाव करने के बाद में जहां तक वो पार्टी छोड़ने का सवाल था, पार्टी में वो पार्टी से निष्कासित किया गया था, उसे इसलिए निष्कासित किया गया था कि उसने अपनी वोट का प्रयोग जो है पार्टी के विहिप पर न करके, पार्टी के आदेशों को न मान के, पता नहीं किस लाभ के कारण उसने जो है दूसरी जगह वोट का अपना परिवर्तन कर जी, दिया। हवाला तो यही दिया गया कि पार्टी नीतियों के खिलाफ वो जाकर के भाजपा को कहीं ना कहीं फायदा देने के लिए, इस वजह से आदरणीय चौधरी साहब ने उनको निष्कासित किया राष्ट्रीय लोकदल से, जबकि वो सिटिंग एमएलए थे राष्ट्रीय लोकदल के, अभी भी हैं हालांकि, लेकिन अब तो बीजेपी का दामन उन्होंने कहीं ना कहीं थाम लिया है, क्योंकि दो जो एमएलए हैं केपी मलिक जी बड़ौत के और आदरणीय योगेश धामा जी, वो भी बीजेपी से ही हैं जो विधानसभा पड़ती हैं जी। तो मेरा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं बताओ आप बताओ जी जी। मेरा जो अगला सवाल है जी, मेरा अगला सवाल है विधायक जी, जैसे COVID-19 महामारी चल रही है जी, तो जिला स्तर और प्रदेश स्तर पर रालोद द्वारा क्या कदम उठाए गए? देखिए हमारी पार्टी ने बहुत अच्छा स्टैंड लिया, हमारे नेता जैन चौधरी ने शुरुआत में ही सब कार्यकर्ताओं को बोल दिया गया था कि इसमें आइसोलेट रहने की जरूरत है, और उसके
उन्होंने खुद भी प्रयोग किया था, खुद भी कार्यकर्ताओं से दूरी बनाकर उन्होंने बात की हमेशा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहीं ना कहीं, जी मैं देख रहा था आपके सोशल मीडिया अकाउंट से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे थे जी। बातचीत करते रहते थे उन्होंने प्रत्येक कार्यकर्ताओं को और जिले की टीम को अध्यक्षों को निर्देश भी दिया था कि आप जो है गाँवों में जाएंगे, जो असहाय लोग हैं उनकी मदद करेंगे, उन्हें भोजन की व्यवस्था, जो आवश्यक वस्तु है उनकी व्यवस्था करवाने का काम हमारी पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। और उन्होंने सुझाव भी दिया था प्रदेश सरकार को किसानों के बारे में, उन्होंने कहा था कि किसान की फसल जो है गन्ना जो फसल है वो अंतिम दौर में है और गेहूं की कटाई भी अंतिम दौर में थी, तो किसान का काम नहीं चल सकता बिना खेत में जाए बिना कृषि कार्य किए, तो प्रदेश सरकार को उन्होंने सुझाव भी दिया था, प्रदेश सरकार ने उनके सुझाव को फॉलो भी किया, किसान को जो है काम करने की पूरी छूट रही, लेकिन उसमें भी कुछ नियम रहे कि दूरी बना के किसान काम करेगा, गन्ना मिल में जाएगा तो वहां मास्क लगाएगा, तो किसानों ने भी उसको फॉलो किया। और हमारे नेता जैन चौधरी जी के अलावा उन्होंने पार्टी की तरफ से यहाँ पर मास्क भी भेजे, मैंने आपको उसके कटिंग भी जी आपको भेजी जी, थी जी, मुझे प्राप्त हुए थे आपके जो मैसेजेस थे जी। 10,000 मास्क तो बागपत में हमने जो है प्रशासन को दिए थे, बाकी जनता में भी हमने बहुत मास्क दिए और तमाम जिलों में यही गतिविधि रही, और आगरा से लेकर तमाम जिलों में खाने की व्यवस्था और ऐसा ही लोगों से मिलने जुलने की व्यवस्था, उनके दुख दर्द की व्यवस्था पार्टी ने बिल्कुल फॉलो किया चौधरी साहब का आदेश ही। और अभी चौधरी जैन चौधरी ने एक किसान ट्रस्ट की तरफ से राहत कोष फंड भी बनाया, उसमें कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने प्रेरित किया कि कार्यकर्ता भी इसमें कुछ योगदान करें जिसका जो संभव है, जो दे सकता हो जो किसान दे सकता हो जो अपनी इच्छा अनुसार दे सकता हो, तो उसमें कार्यकर्ता भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। उनका इरादा है कि प्रदेश भर में जो डॉक्टरों को किट की, मास्क की, वेंटिलेटर की, इन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी तो राष्ट्रीय लोकदल उसे पूरा करने का काम करेगा। अभी जैन चौधरी जी की एक और स्टैंड आके जो लोग इधर उधर से हैं कार्यकर्ता जो हैं उन्हें किराया दें, किराया मुहैया करावें, और वे अगर कहीं जाना चाहें तो उन्हें अपनी तरफ से किराया दें, तो हम लोग कर भी रहे हैं, ऐसे कार्यक्रम चला भी रहे हैं, और यहाँ प्रशासन का भी पूरा सहयोग, हम लोग बातचीत में और जो आइसोलेट लोग थे जो क्वारंटीन थे उनको हमने फल भी वितरित कराए, उनको हमने भोजन भी वितरित कराया, समय समय पर जो आवश्यकता पड़ी वो हमने पूरा करने का काम किया जी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं और जो दर्शक इस ग्रामीण भारत संवाद को अभी देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे, तो जनपद बागपत की जो स्थिति है अभी वो मैं आपको आंकड़ा बता देता हूँ, COVID-19 के जो संक्रमित आंकड़े हैं वो मैं आपको रख देता हूँ। कुल पॉजिटिव जो है वो 17 है और जो एक्टिव केस है वो 3 है, सही 14 हो गए हैं, और पॉजिटिव एक्टिव जो बचे हैं अभी जनपद बागपत में वो 3 है अभी तक, और कुल सैंपल लिए गए 762, निगेटिव 703 आए हैं, और लंबित रिपोर्ट जो है वो 42 रिपोर्ट लंबित है अभी। देखियो यहाँ जितने भी लोग आ रहे हैं यहाँ कोरोना की संख्या बहुत कम है, और जो कोरोना से पीड़ित लोग थे तो वे आइसोलेट कर दिए गए थे प्रशासन ने, और खुद भी लोग चले गए, तो उसके बावजूद यहाँ पर ठीक होने की संख्या भी बहुत ज्यादा है। मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ के डॉक्टरों को, जिला बागपत के जो डॉक्टर हैं उन्होंने इस महामारी पे कब्जा पाया। हालांकि मैंने तो चर्चा की कि देश विदेश में जो कोरोना से पीड़ित हैं वे ठीक नहीं हो रहे, लेकिन बागपत के डॉक्टरों ने ठीक किए और उनकी संख्या होने में 50% जो है यहाँ का बागपत का ज्यादा है, तो इसमें बागपत के प्रशासन और यहाँ के लोगों का
और तमाम दलों का और डॉक्टरों का पूरा पूरा सहयोग रहा, आपस में एक दूसरे ने एक दूसरे को कोऑपरेट किया जी। कहीं ना कहीं जो बागपत है, वो जनपद बागपत की जो भौगोलिक स्थिति है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ती है, तो थोड़ा खतरा जो रहता है वो कहीं ना कहीं ज्यादा रहता है जनपद बागपत में, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी की जो सीमा है उससे सटा हुआ है जनपद बागपत। देखिए हमारे यहाँ ज्यादातर जो चर्चाएं चली मीडिया के माध्यम से चर्चाएं चली जी कि ये जो जमात है, जमात के लोगों ने कोरोना फैलाया, और दिल्ली में भी वहां केजरीवाल ने भी इसके आंकड़े दिए और मीडिया के लोगों ने भी आंकड़े दिए, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं चूक रही है हमारी सरकार की। हमारी सरकार की ये चूक रही कि हम अन्य कार्यक्रमों में जुड़े रहे, जब इसमें स्क्रीनिंग कराने की आवश्यकता थी तो हमने पूर्ण रूप से इसमें स्क्रीनिंग नहीं करा पाई। विदेशों से जो लोग आए, विदेशों से ये कोरोना फैला, ज्यादातर ये हमारा चीन जो देश है उस देश से कोरोना आया, और वो किसके माध्यम से आया, कोई गरीब आदमी या कोई पदयात्री या कोई बस के द्वारा जाने आने वाले लोग, वे तो कोरोना लेकर के नहीं आए, कोरोना को तो हवाई जहाज के द्वारा, जो हवाई जहाज में यात्रा करते हैं उनके द्वारा आया और वो फैला। एक दूसरे लगने वाली बीमारी है, छुआछूत की बीमारी है, इसमें जो है बढ़ता चला गया। आज देश में कोरोना की संख्या 40,000 के करीब पार कर गई, अपार कर गई, और रोज आना 2,000 के करीब, 2,500 के करीब इस रेशो में जो है कोरोना के पॉजिटिव केस आ रहे। अभी सरकार ने कुछ फैसले भी लिए हैं, लेकिन हमारा स्टैंड तो ये था। आप समर्थन करते हैं सरकार ने जो फैसले लिए, मोदी जी ने जो फैसले लिए? जो सरकार ने समर्थन लिए, मैंने तो कहा कि अभी इसमें और क्वारंटीन करने की आवश्यकता थी, आइसोलेट करने की आवश्यकता थी, लोगों को अभी जो बाजार ये दुकान ये खुली, अभी और हमें जो है लॉकडाउन में रहना चाहिए था। और जो समझदार है, जिसे थोड़ी भी सेंस है, वो सरकार के आदेश के बावजूद, मैं तो ये निवेदन करूंगा इस वीडियो के माध्यम से, जो हमारा आपका संवाद चला हुआ है इसमें मेरा ये निवेदन है, अगर किसी व्यक्ति को भी थोड़ी सी भी सेंस है, उसे अभी अपने आप को इससे सुरक्षित रहना चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए, अपने आप को क्वारंटीन रखना चाहिए, मेरा तो ये सुझाव है जी। अच्छा जी राठी जी, मेरा जो अगला सवाल है वो कहीं ना कहीं चीनी मिलों को लेकर के है, तो बकाया भुगतान की क्या स्थिति है वहां पर जनपद बागपत में, जो चीनी मिले हैं जैसे रमाड़ा के चीनी? हाँ, रमाड़ा चीनी मिल, हमारे यहाँ 3 चीनी मिल है, 400 करोड़ रुपए के करीब हमारा जो गन्ना पेमेंट है, गन्ना बकाया भुगतान है, वो मलकपुर चीनी मिल पर है, और यहाँ मेरे जिले के अंदर कम से कम 16 चीनी मिलों पर गन्ना जाता है, जैसा हमारा बैसाला चीनी मिल पर जा, किरोली पर जाता है, कटोली पर जाता है, दुराले पर जाता है, तिताबी पर जाता है, बहुत चीनी मिल है जो बागपत में सगन्ना बाहर ज्यादा जाता है, यहाँ कम पिलाई होती है, जनपद मेरठ की ओर, कटोली, जनपद मेरठ, हाँ तमाम जितने भी मिल है उन पर सब पर सप्लाई करता है बागपत जिला, क्योंकि इस बागपत में सबसे ज्यादा गन्ना पैदा होता है, और यहाँ पर गन्ने की पेमेंट की व्यवस्था जो है बिल्कुल नकारा है, चीनी मिल जो है बिल्कुल देने में दे नहीं रहे। मैं आपको बताऊं, बैसाना चीनी मिल है मात्र 25 नवंबर यानी 10 दिन का भी पेमेंट नहीं दिया आज तक, यहाँ पर कोई ऐसा मिल नहीं जिसने 10 दिन का पेमेंट दिया हो। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा इस बात को सरकार को भी कहूंगा, जो हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार है, जब उत्तर प्रदेश में सरकार आई, बीजेपी की सरकार आई, हमारे गन्ना मंत्री थे, मेरे मित्र भी रहे, अमर वो साथ रहे, आपकी विधानसभा से आते हैं सुरेश राणा जी, और अमर वो विपक्ष में भूमिका रही दोनों की,
और हमारे जो है विधानसभा में सवाल भी सबसे ज्यादा थे सुरेश राणा जी के और मेरे। उस वक्त हम जो सवाल उठा करते थे सरकार पर आक्षेप लगा करते थे, गन्ने का पेमेंट 5,000 करोड़ बकाया था उस वक्त जी, और आज गन्ने का पेमेंट है 15,000 करोड़, सभी ऊपर पहुंच चुका है पूरे प्रदेश में। तो आज कहीं ना कहीं सरकार को प्रश्न चिन्ह लगाते आ गन्ने का पेमेंट, सरकार गंभीर है ही नहीं। और मंत्री जी ने भी दावा किया कि 14 दिन में पेमेंट, मुख्यमंत्री जी ने भी हल्ला मचा के 14 दिन में पेमेंट, हमारे देश के प्रधानमंत्री तमाम मंत्रियों ने हल्ला मचा के 14 दिन में पेमेंट होगा, 14 दिन में पेमेंट होगा। जी विधायक जी, मैं उसी बात पे आ रहा था कि जो है प्रदेश सरकार ने जो संकल्प पत्र जारी किया था 2017 में, उसमें ये कहा गया था कि 14 दिन में गन्ना भुगतान होगा, अगर 14 दिन से विलम्ब होता है तो किसान को जो है ब्याज सहित पैसा मिलेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं, मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, शामली शुगर मिल और साणावन शुगर मिल का जो बकाया भुगतान है वो केवल नवंबर तक ही हुआ है अभी तक, और बाकी आप रमाला शुगर मिल और जो बता रहे हैं आप अदर जो शुगर मिल हैं उनकी जो स्थिति आप बता ही रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो गन्ने का जो भुगतान है उसमें कहीं ना कहीं कोताही बरती जा रही है। क्यों राणा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत से चीनी मिल है, जैसे खतौली का है, हमारा दुराड़े का है, उन्होंने गन्ना पेमेंट कर दिया, जो ये गन्ना पेमेंट चीनी मिलें नहीं कर रही। तो ये मुझे कारण समझ में नहीं आ पा रहा कि ये चीनी मिलें गन्ना पेमेंट क्यों नहीं कर पा रही, वे चीनी मिलें उन्होंने गन्ना पेमेंट क्यों कर दिया। अगर चीनी मिलों को नुकसान होता तो वे भी ना कर पाती। लेकिन सरकार जो है, चाहे कोई भी सरकार रही हो, हर सरकार ने मिल मालिकों के दबाव में आकर काम किया, इसलिए काम किया कि ये किसानों के नेता नहीं, ये किसान की बात नहीं समझते, किसान कितनी दुर्गति में। जब मैं 2012 में चुनाव लड़के विधायक बना तो 95 दिन मैंने धरना दिया था गन्ना पेमेंट पे, और गन्ना पेमेंट 12 दिसंबर तक जो बलकपुर चीनी मिल था एक पैसा भी उस पर शेष नहीं रहा था, मैं ब्याज के पूरा पैसा हमने लिया था, राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से हमने ये आंदोलन चलाया था पार्टी की तरफ से जी। तो हमने दबाव में गन्ने का पेमेंट लिया। आज जो है सरकार इतना गन्ने के पेमेंट पे बिल्कुल गंभीर नहीं है और मिल मालिकों के दबाव में काम कर रहे हैं ये लोग। और मैं आपको गढ़तोली पे भी एक थोड़ी चर्चा कर दूं कि गढ़तोली की क्या स्थिति। हमारे यहाँ कम से कम 342 क्रय केंद्र हैं जी हमारे जिले में, और प्रत्येक जिले पे कम से कम मैं मानता हूं कि 250 से 300 क्विंटल गन्ना प्रतिदिन, 250 से 300 करीब लाख क्विंटल गन्ना हमारा प्रतिदिन टोल पर जाता है। अगर 2% भी गढ़तोली होती है, 2% एक क्विंटल पर 2,000 की होगी जी। और इस रेशो में अगर गन्ने का पेमेंट का उससे कैलकुलेट करें हम पैसे से, रुपए प्रति 15 लाख रुपए प्रतिदिन हमारे किसानों के जा रहे हैं, और किसानों के साथ अगर 2% 4% गढ़तोली के रूप में करोड़ों रुपए जा रहे हैं, तो कहीं की तो सरकार रहेगी, कहां के गन्ना मंत्री रहेंगे। गन्ना मंत्री का काम जी, आपके तो मित्र रहे हैं, कहीं ना कहीं आप ये सुझाव उनको दे सकते हैं। कहीं ना कहीं इस बात पर कोई ना कोई शक पैदा करे कि जब विपक्ष में रहते थे हम, वे दोनों भाई दोनों सवाल उठा करते थे, सरकार को घेरने का काम किया करते थे, लेकिन आज पद पे है, आज एक आवाज तक नहीं निकाल ले, तो मुझे तो कहीं ना कहीं प्रश्न उन पे भी खड़ा कर देता, कोई ना कोई वे कहां इस बात से विवश है कि वे आज इतनी बड़ी गढ़तोली चल रही, गन्ने की पर्ची किसानों को मिल नहीं रही, गड्ढा किसान का ओवरलोड काटा जा रहा, और ऐसी ऐसी नीतियां गन्ने पर लागू की जा रही किसानों पर, एक सेंटर से दूसरे सेंटर पर
अपना बॉन्ड नहीं लगवा सकता, एक मील से दूसरे मील पे नहीं लगवा सकता, उसके लिए भी लखनऊ के चक्कर काटने पड़ेंगे। एक किसान को पहले क्या था कि एक केंद्र से दूसरे केंद्र पर भी घेर सकते थे, एक मील से दूसरे मील पे भी चले जाते थे, और गन्ना किसान दो टुकड़ों में भी गन्ना तोल कर लिया करते थे, क्योंकि एक टुकड़े में बुग्गी में भैसे में उनके पास इतने संसाधन नहीं है कि उन संसाधनों से वे अपना गन्ना तोल कर सके। दो बार की में गन्ना तोल होती थी, लेकिन अब वो सिस्टम भी खत्म कर दिया, और थोड़ा एक पर्ची के बाद तुरंत ओवरलोड काट लिया जाता है। ओवरलोड काटते ही किसान की पर्ची, आज ये हालत है कि अभी खेतों में कम से कम 35% गन्ना बचा हुआ है, यह हालत है। और मई का माह चल रहा है, अगली फसल कैसे तैयार होगी, सरकार को चिंता नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ जी, विधायक जी आपको, आपसे माफी चाहूंगा, आपको रोकना चाहूंगा, पर्चियों की स्थिति कैसी है? जैसे मैं देख रहा हूँ कि थाना भवन शुगर मिल में तो पर्चियों की स्थिति कहीं ना कहीं दयनीय है, वहां पर कैसी है? जैसे मलकपुर शुगर मिल या रमाला शुगर मिल की आप बात कर रहे थे जी, बताइए। देखिए, यहाँ भी मैंने बताया कि अभी जो है किसानों के इन्होंने सट्टे पूरे कर दिए, उसमें 11वां 12वां हफ्ते के करीब पहुंच गया, लास्ट स्टेज में पहुंच गया किसान। के पास भी गन्ना है, हमने भी आवेदन किया, हमने भी सुझाव दिया, और यह भी सुझाव दिया कि इनका एग्रीमेंट किया जाए जो गन्ना शेष बच गया, क्योंकि ओवरलोड काट लिया गया था। और यहां लेकिन किसानों को पर्ची नहीं मिलती, उसे एसएमएस के द्वारा पर्ची दे रहे। अनपढ़ लोग हैं गांव में, वे फोन को चलाना नहीं जानते, उनकी डेट निकल जाती है, अगर डेट निकल जाए तो वो पर्ची फेर के दोबारा उसकी एप्लीकेशन दो, मिल में जाओ, काम छोड़ो। यानी इतनी दुर्गति किसान की कभी के इतिहास में नहीं हुई जितनी दुर्गति अब हो रही है। और मैं इसी बात से थोड़ा अचंभित हूँ कि गन्ना मंत्री हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहे, तो उसके बावजूद भी उन्हें, किसान के बेटे हैं, इस क्षेत्र के रहे, किसानों के दर्द को भी जानते थे, लेकिन अब पता नहीं क्या कारण है, ऐसा क्यों ऐसा हो रहा, समझ से बाहर हो रही मेरे बात। गन्ना किसानों को लेकर के विधायक जी, मैंने अभी पिछले दिनों ग्रामीण भारत संवाद में मेरे साथ राकेश टिकैत जी भी थे, उनके सामने भी ये बात रखी, तो उन्होंने भी बहुत सारी चीजें गिनाई मुझे। तो मेरी बात हो रही थी मंत्री जी से अभी कुछ दिन पहले, तो वो जल्द ही ग्रामीण भारत संवाद से हमारे साथ जुड़ेंगे, तो जो आपके तमाम सवाल है वो मैंने नोट कर लिए हैं, वो कहीं ना कहीं मैं उनके सामने जरूर रखूंगा। देखिए, एक सवाल मेरा बहुत इम्पोर्टेंट है जी, जी जी, और बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे गन्ने का पेमेंट 10 दिन का कुल केवल हुआ, और पता नहीं सरकार क्यों विवश है जी। और मैं तो यहाँ एक बात कहूंगा, मेरा सबसे ज्यादा मेन पॉइंट है 1978 में चौधरी चरण सिंह जी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, चौधरी चरण सिंह जी, उन्होंने गृह मंत्री रहे, प्रधानमंत्री रहे, कई पदों पर रहे। चौधरी चरण सिंह जी ने 1978 में कानून बनाया था कि अगर मिलों में के द्वारा गन्ना जो मालिक है इनके द्वारा, सरकार के द्वारा अगर किसानों को भुगतान नहीं दिया जाता, तो उस कानून के तहत उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि अधिग्रहण कर लिया जाए मिल का, उसे अपने अंडर में ले लिया जाए और गन्ना भुगतान हो। लेकिन इस सरकार ने आते ही सबसे पहले वही कानून काटने का काम किया, केंद्र सरकार ने वो कानून ही हटा दिया। तो जब केंद्र सरकार ऐसे कानूनों को, जो बहुत एक बलशाली कानून था, बहुत किसानों के हित का कानून था, उसे हटा दिया, कहीं ना कहीं उनकी भी स्थिति संदेहात्मक बनती है कि किसानों के प्रति गंभीर नहीं है। दूसरा, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि आपने देखा होगा कि चौधरी अजीत सिंह जी ने एक बार जंतर मंतर पे घेराव किया था किसानों को लेकर, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी केंद्र में, और एक नई नीति
केंद्र सरकार ला रही थी, केंद्र सरकार ने ये तय कर दिया था रिकवरी के आधार पर गन्ने का भाव तय होगा जी। और उसमें हमारे यहाँ की जो रिकवरी थी 9.5% 8.5-9.5 तक की हमारी रिकवरी थी, और महाराष्ट्र में जो चीनी मिले थी, महाराष्ट्र के जो किसानों की रिकवरी थी वो 14% के करीब थी, तो उसमें हमें गन्ने का बहुत कम रेट मिलता, लेकिन 14 डेढ़ गुना ज्यादा थी महाराष्ट्र में, अगर वेस्टर्न यूपी की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें जी। हाँ, तो चौधरी अजीत सिंह ने उस कानून को बदलवाया, तुरंत उस पर एक बड़ा आंदोलन किया और लोगों ने बड़ा उत्साह से, बड़े उम्मीद से उसमें भाग भी लिया, और भाग लेकर वो कानून वापिस हुआ। तो क्योंकि किसान नेता थे, जानते थे चौधरी अजीत सिंह जी के किसानों के दुख दर्द को। आज सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आज हमारे किसान की जो रिकवरी है यहाँ 14% के करीब है, जो एक नई वेराइटी आई 38, इस 38 में 14% के करीब है जी। और 5% की रिकवरी बढ़ गई, 9 से 14 का जो डिफरेंस देंगे हम, 5-6% की रिकवरी हमारी बढ़ गई, और 5-6% पे इसका लाभ राणा जी किसको गया, जो रिकवरी बढ़ी मिल मालिकों को, किसान को क्या लाभ हुआ, किसान को क्या लाभ हुआ। गन्ने का रेट बढ़ना चाहिए था बहुत ज्यादा, गन्ने का रेट आज तक नहीं बढ़ा पाई सरकार जी। इस सरकार को यह नहीं पता कि 5-6% रिकवरी बढ़ गई, उसके बावजूद तुम गन्ने का भाव 1 पैसा तक नहीं बढ़ा पाए जी। मेरा अगला सवाल वही है कि 3 साल से 325 का जो समर्थन मूल्य है उत्तर प्रदेश में, वो 3 साल से लगातार एक समान है, जबकि बीजेपी के जो नेता थे जब वो विपक्ष में थे तो 450 रुपए प्रति क्विंटल की बात करते थे। कई बार विधानसभा का घेराव किया, कई बार विधानसभा का घेराव किया बीजेपी ने, और घंटों घंटों तक नहीं चलने दी, और 450 रुपए का रेट मांगते थे। और उससे पहले मतलब ये नहीं कि जो विपक्ष मारता है वो 450 का ही मांगता आ रहा है, लेकिन जब वो सरकार में आ जा, जब पलटी मार जा, ये क्या कारण है? इसका कारण है कि किसान नेता नहीं है। किसानों की जब तक सरकार नहीं होगी, किसानों का नेता जब तक हम तय नहीं करेंगे कि ये किसान नेता है, तब तक किसानों का भला होने वाला नहीं है जी। नहीं, एक 3 साल से मैं देख रहा हूँ एक समान रेट है, अभी तक 325 का जो रेट चल रहा है वो पूरे 3 साल से वही है, लेकिन कोई भी किसान नेता, कोई भी किसी के मतलब कान पे जू नहीं रेंग रही है कि प्रदेश सरकार को कहीं ना कहीं सचेत करे कि आखिर जब आप विपक्ष में थे 450 रुपए प्रति क्विंटल की आप बात करते थे, लेकिन पक्ष में मतलब जैसे ही आप सरकार में आते तो लेकिन 325 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से आप रेट दे रहे हैं, और उसमें भी कहीं ना कहीं जो पेमेंट है वो बाधित है। मैं राणा जी एक बात बताऊ आपको, जो गन्ने की छिलाई है आज जी वो 42 रुपए प्रति क्विंटल जो है मजदूर ले रहे, 42 रुपए प्रति क्विंटल, और सरकारी जो आंकड़ा है जो किसान की लागत आ रहे गन्ने की फसल पे, जो सरकारी आंकड़ा है 254 रुपए प्रति क्विंटल है जी। और 254 रुपए प्रति क्विंटल पे यानी किसानों ने जो खर्च किया 254 रुपए का एक क्विंटल पे, और उसे गन्ने का भाव मिल रहा 310 रुपए, और 42 रुपए देगा वो गन्ने की छुलाई और ढुलाई भी है, उसकी मजदूरी तक भी नहीं निकल रही किसानों की। विधायक जी, यही तो बात विधायक जी, दुर्भाग्य की बात तो ये है कि जितने भी गन्ना माफिया हैं, आपके मुझे तो नहीं पता, खैर आपके क्षेत्र में एक्टिव है या नहीं है, लेकिन मेरे क्षेत्र में बहुत एक्टिव है गन्ना माफिया, वो क्या करते हैं कि किसानों से जो है किसानों को पर्ची देते हैं अपनी, और अपनी पर्ची में डलवाते हैं 200 रुपए क्विंटल, 250 रुपए क्विंटल, तो कहीं ना कहीं जो किसान जी जी गन्ना माफियाओं का सरकार से जाओ पूछो जी, वे कहेंगे कि हमने गन्ना माफिया खत्म कर दिए। आप कैन कमीशन से बात करो, वो कहेगा हमने ऑनलाइन सिस्टम कर दिया जी। पहली दफा है इस सरकार में कि जो क्रिया केंद्र है उन पर जो गठतोली हो, गेट पर कभी गठतोली नहीं हुआ करती थी, किसान अपना गेट पर गन्ना इसलिए लाया करता था कि तुझे तू गठतोली से बच जाएगा वहां, लेकिन आज गेट पर भी गठतोली है, और गन्ना माफिया जो है
अभी सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं, कोई सर्वे नहीं, जिसका जहां को दां बैठ रहा, जैसे गांव में कहते हैं ना दां बैठ रहा, जिसका जहां को दां बैठ रहा वो वहीं को अपना टंडा मार रहा। यह हालत है सरकार की। और मैं तो ये कहूंगा कि इन लोगों को गन्ने के खेत पर जवार के खेत के अंतर को नहीं बता सकते कि कौन सा गन्ने का खेत है कौन सा जवार का है, ये नहीं बता सकते। ऐसे लोग आज सरकार में हैं, कुर्सी पर बैठे हैं। जब तक ये पहचान नहीं होगी कि सरसों का बीज कितना एक बीघे में हम बोते हैं, तब तक वो किसान की बात कैसे कर सकता है, किसान के दुख दर्द को कैसे जान सकता है? किसान के दुख दर्द को वो समझेगा जो किसान की स्टडी करेगा, किसान खेती किसानी के काम को जानता होगा। हमने बचपन से लेकर किसानी खेती का काम किया, हमें उसके दर्द का पता है। और रही बात, आज राष्ट्रीय लोकदल इसी बात से चिंतित है, हमारे नेता इसी बात से चिंतित है कि गांव में जो ये धर्म की आड़ में आज जो फैलाव कर दिया, जातिवाद को जो बढ़ावा दे दिया, किसान किसान नहीं रहा, गुज्जर गुज्जर हो गया, ठाकुर ठाकुर हो गया, किसान के नाम से सारी जाति टूट के धर्म के नाम पर जो जुड़ गई, इन्होंने जो कुर्सी कब्जा ली दंगों के नाम पे, आप बेरोजगारी पर देख लीजिए क्या हालत है बेरोजगारी की। जब से योगी की सरकार आई, उस सरकार ने आते ही बैन लगा दिया था, आज तक वो बैन खुल पाया क्या? वो बैन एक नौकरी बता दो मुझे मिली हो किसी को। सरकारी आंकड़े क्या कहते हैं? ऐसी स्थिति होगी, नौजवान बर्बाद हो गया इस सरकार में, क्या हिंदू मुसलमान से काम चल जाएगा? क्या धर्म के नाम पर काम चल जाएगा? लोगों के धंधे ठप हो गए। और लोग कहते हैं कि बहुत अच्छी सरकार है, छोटी तारीफ के फूल बांधते हैं। तो मेरा तो ये निवेदन है राणा जी, नहीं राष्ट्रीय लोकदल का क्या स्टैंड है इस पे? जी राष्ट्रीय लोकदल का क्या स्टैंड है इस पे? जी मैं आपसे बता दूं, कहीं ना कहीं एक आरोप आपके ऊपर भी लगता है, आपके नेताओं पे भी लगता है, आदरणीय अजीत सिंह, जयंत चौधरी जी, कि वो बस एसी में बैठकर राजनीति करते हैं, वो भी धरातल पे नहीं नजर आते। देखिए ये बात गलत है और ये दुष्प्रचार है। चौधरी साहब ने, मैं अभी उदाहरण दिया, जहां जहां समय पर किसान को आवश्यकता पड़ी वही आंदोलन किए। अभी गन्ने पे कम से कम हमने कितने यहाँ पर जिले स्तर पर आंदोलन किए, पत्ती पुराली का मामला चला, राष्ट्रीय लोकदल आगे आया, किसानों पर मुकदमे लगाए जा रहे थे, उनको दंडित किया जा रहा था, उनको अपमानित किया जा रहा था। जयंत चौधरी ने ऐलान कर दिया कि मैं बड़ौत की तहसील पर आऊंगा, कलेक्ट्रेट भागपत में आऊंगा और पत्ती पुराली लेकर के जाऊंगा, कोई सरकार मुझे इलाज बताए कि किसान इसमें क्या करे। और उससे प्रदूषण के नाम पे इन्होंने मतलब ये कि किसान से धन उगाही शुरू कर दी, 2500 रुपए किसान से दंड करना शुरू कर दिया। अगर जयंत चौधरी जी आगे ना आते, राष्ट्रीय लोकदल आगे ना आता, तो मुझे बताओ तो किसान तो दंडित और अपमानित होता, तो किसने डिसीजन लिया, किसने फैसला लिया? चौधरी जयंत चौधरी ने लिया। विधायक जी, हम आपकी बात से सहमत है, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि, चलो मैं मानता हूँ कि आपकी जो पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल वो किसान हितैषी है, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि लोग उनको अब पसंद नहीं करना चाह रहे हैं? कि क्योंकि अभी जो आपने लोकसभा के चुनाव देखे, उसमें अपनी जो पैतृक सीट कही जाती है बागपत, वहां से भी आदरणीय जयंत चौधरी हार गए, मुजफ्फरनगर सीट से राष्ट्रीय लोकदल के अजीत सिंह हार गए, इस पर आपका क्या कहना है? जी देखिए, हिंदुस्तान का इतिहास आप जब पढ़ोगे, बहुत जबकि राष्ट्रीय लोकदल का जो वर्चस्व था, कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर कोई क्षेत्रीय पार्टी अगर कही जाती थी, तो राष्ट्रीय लोकदल का नाम कहीं ना कहीं राणा जी ऊंचा रहता था। जी जी राणा जी, आप जब इतिहास पढ़ोगे तो बड़ी मारकाट और बड़े कबीलों का इतिहास रहा यहाँ, कभी कोई कभी कोई कभी कोई, हवा आंधी चलती रही राजनीति में भी। चौधरी चरण सिंह सरीखे बहुत बड़े नेता थे, चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर, तमाम के तमाम, राजीव गांधी ने जब चुनाव लड़ा इंदिरा गांधी के मरने के बाद, भावनात्मक होकर देश की जनता ने उन्हें एक तरफा बहुत बड़ा बहुमत दिया। आज मोदी जी को तमाम नेता, तमाम देश की जनता जो है धर्म के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे मोदी जी को बहुत बड़ा बम्फर बम्फर बहुमत दिया। इतना बड़ा बम्फर दूसरी योजना भी
बीजेपी की सरकार मोदी जी को दिया। ये हवाएं हैं, आंधी हैं, अदलती बदलती रहती है, कभी फिर समय आएगा राष्ट्रीय लोकदल का, क्योंकि पानी जो है वो गहराई में रुकता है, सच्चाई पर रुकता कारण है। कारण क्या रहा? नहीं, कारण, तो, कारण क्या रहा है? वो कारण जानना चाहते हैं, वो आखिर कारण क्या रहता है कि इस तरह के से, मतलब इस तरीके से जो है आदरणीय अजीत सिंह जी भी हार जाते हैं और जयंत चौधरी जी भी हार जाते हैं, और जबकि अलायंस था सपा बसपा राष्ट्रीय लोकदल का। देखो मैं बताऊं आपको, 2012 में मैंने चुनाव लड़ा था जी, और 2012 में जब मैंने चुनाव लड़ा, बीजेपी ने मेरे सामने 4000 वोट कुल प्राप्त की थी जी। दूसरे नंबर पर बसपा रही थी, बीजेपी कहीं स्टैंड में ही नहीं थी। और 2012 से 14 में कोई एम्स नहीं बनाया, कोई सड़क नहीं बनाई, कोई हवाई अड्डा नहीं बनाया, कोई स्टेडियम नहीं बनाया, कोई ऐसा विकास का काम नहीं किया जिससे भारतीय जनता पार्टी यहाँ हमारे क्षेत्र में भी आवे। वो कारण रहा हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम की राजनीति, धर्म की राजनीति का जो भाव रहा देश में, उससे हम लोगों का थोड़ा स्टैंड कम हुआ। लेकिन आज भी किसान जो है, जयंत चौधरी बहुत कम अंतरों से चुनाव हारे, चौधरी अजीत सिंह जी को तो आपको पता के पोस्टल वोट में चुनाव हारे, चौधरी अजीत सिंह जी का बहुत भारी चुनाव रहा, जयंत चौधरी का भी रहा। ऐसी बात नहीं कि राष्ट्रीय लोकदल को यहाँ पसंद नहीं करते, यहाँ पर जातिवाद का और धर्म का जो जहर रहा उसके प्रति झुकाव रहा, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, राष्ट्रीय लोकदल फिर जागृत होगा, अपनी नीतियों पावेगा, लोग धीरे धीरे समझेंगे और समझ भी रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि नहीं समझ रहे, समझ भी बहुत रहे। आज चुनाव करा दो, अभी तो कोरोना में बहुत लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने बड़ी बड़ाई की कि इनका इतना बड़ा स्टैंड हो गया, इतना बड़ा संगठन है भारतीय जनता पार्टी का कि ये प्रचार करने में बड़े माहिर है, प्रचारक बहुत तकड़े हैं। अभी देखो कितने प्रचारक थे कि गाय का मूत्र पियो, गोबर से अपने कोरोना को ठीक कर रहे थे, भक्तों से वो झाड़ फूक का काम करा रहे थे, दीवे बलवा रहे थे हमारे प्रधानमंत्री जी, उसे भी हमने धर्म पे ही जोड़ लिया। सारे स्टैंड ऐसे जुड़ते चले गए कि लोगों में हिंदू तो और मुस्लिम की बात फैलती चली गई। ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, होने भी लग रही है। अभी लोगों में ये बात हुई कि भाई कोरोना में तो कोई लाभ हुआ नहीं, प्रतिदिन 2-2.5 हजार आदमी जो है इससे संक्रमित होते जाने लग रहे हैं, इसलिए लोगों में फिर भी ये बात आ रही कि हमारा तो किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा वो राष्ट्रीय लोकदल ही पूरा करेगा। तो इसलिए यहाँ जो है अब राष्ट्रीय लोकदल फिर दोबारा से अच्छी स्थिति में है जी। अच्छा, जो भविष्य की राजनीति है, चाहे जनपद बागपत की ले लो या मुजफ्फरनगर की ले लो, आप किस रूप में देखते हैं राष्ट्रीय लोकदल? देखो भविष्य की राजनीति में राष्ट्रीय लोकदल जो है बनेगा राष्ट्रीय लोकदल, क्योंकि किसानों की, गरीबों की, गांव देहात में रहने वाले लोगों की बात ही राष्ट्रीय लोकदल करता है, इसके अलावा कोई दल नहीं करता। इसके अलावा तो मैंने बताया धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे फैलाव है। इन लोगों के पास कोई नीति नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है। हमारी तो सिद्धांतों की पार्टी है। देखो आप मुझे ये बताओ, जयंत चौधरी जी का एक बयान, चौधरी अजीत सिंह जी का एक बयान उनके राजनीतिक जीवन काल में, एक बयान मुझे कोई भी बता दे कि ये अवसर बयान आया उनका, राष्ट्रीय लोकदल के किसी कार्यकर्ता का बता दो आप, सिवाय किसानी खेती के और विकास के अलावा, बेरोजगारी के अलावा कोई बात ही नहीं करता राष्ट्रीय लोकदल, तो काम की बात करता है वो। आपकी आपकी बातों से मैं सहमत हूँ आदरणीय विधायक जी, लेकिन सरकार जो है जनमत से बनती, तो कहीं ना कहीं जनता का जो साथ है वो नहीं मिल पाया उनको, तो इस वजह से उनको हार का सामना करना पड़ा। देखो राणा जी, मैंने एक बात बताऊं, बड़े बड़ों की कहावत बहुत, जो बड़े बड़ों की बात कहावत है ना प्रचलित है, उनमें कहीं ना कहीं दम है जी। कोई जो कहा करते थे उनमें कहीं ना कहीं दम है। तो उन्होंने कहा कि आंधी जितने वेग से आती है इतने वेग से आंधी खत्म हो जा, हवाएं जो है निरंतर चलती रहे, तो आंधी है भारतीय जनता पार्टी की, और जितने वेग से आई इतने वेग से खत्म भी होगी। पीछे 2 बार भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में शासन रहा, देश में शासन रहा, लोगों ने वोट ना पसंद कर दी थी, वोट ही नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी को। अभी तो मीडिया का सहारा लेके, धर्म का सहारा लेके ऐसी स्थिति इन्होंने देश में पैदा कर दी के लोगों पर भूत सवार था इनका जी। अब जी
अब उतरने लग रहा है, अच्छा धीरे धीरे उतर गया। जी विधायक जी, मेरा अगला सवाल आपसे है। जैसे अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन्हें रमाला शुगर मिल की जो है क्षमता बढ़ाई गई है, तो उसका उद्घाटन करने आए थे, तो उस पर आपका क्या कहना है कि मतलब। देखिए ये भी जी मैं आपको राणा जी सच्चाई बताऊं, जी मेरी एक बार गन्ना मंत्री के पास पूरे मैं पूरे चला गया। जोरों शोरों से पूरे जोरों शोरों से उसको कहीं ना कहीं भाजपा बुनाने की कोशिश कर रही है कि रामाला शुगर मिल की क्षमता बढ़ाई गई, और आदरणीय हमारे जो गन्ना मंत्री जी हैं सुरेश राणा जी भी, वो भी थे उस समय। जी देखो सुरेश राणा जी से मेरी बात हुई, मैं खुद जी ही एक बार उनसे मिलने चला गया, जी मित्र रहे हमारे। जी जी उन्होंने मुझे बैठते ही कहा, विधायक जी हमने आपको सौगात दे दी रमाड़ा में, आप धन्यवाद दो। मैंने कहा कि तुम्हें धन्यवाद नहीं देंगे हम, तुम्हारा इसमें कोई रोल ही नहीं। जी मैं कितने स्पष्ट शब्दों में कह रहा, मैंने खुद उनके मुंह पे ये ब्याह किया कि तुम्हारा कोई रोल नहीं। 2013 में मैंने इसकी शुरुआत की थी, जी मैंने प्रार्थना पत्र लगाया था मुख्यमंत्री अखिलेश सरकार के सामने, अखिलेश जी को दिया था। उसमें 14-15 तक हमारा एस्टीमेट बना, अंसल भवन नई दिल्ली कल शक्कर कारखाना से आई जी एक टीम, और वो टीम आकर के यहाँ पर उन्होंने सर्वेक्षण करे, वो एस्टीमेट बना उन्होंने 308-310 करोड़ का एस्टीमेट बना। उसके बाद उन्होंने वो चली गई वहां फाइल लखनऊ में, यहाँ के लोगों ने प्रयास किया, वहां रबाड़ा के किसान भी वहां पहुंचे और नेताओं के माध्यम से पहुंचे। मैंने भी वहां राहुल भटनागर जो थे हमारे उस टाइम गन्ना आयुक्त, गन्ने के प्रमुख सचिव भी थे, गन्ना आयुक्त प्रमुख सचिव, प्रमुख जी, सचिव जी, थे और वित्त के भी सचिव वही थे। मेरी कई बार वार्ता हुई उनसे कि इसमें पैसे की व्यवस्था कराओ, एस्टिमेट बन करके आ गया। और यहाँ पर हमने असारा के 6 किसानों की जमीन भी एग्रीमेंट करा दी थी, उसकी पहले से फाइल पड़ी हुई थी। राहुल भटनागर जी ने कहा, विधायक जी 308 करोड़ रुपए मैं नहीं दे पाऊंगा, आप अपने नेता से बोलिए चौधरी अजीत सिंह जी से, वे मुख्यमंत्री से बात करेंगे। मैंने चौधरी अजीत सिंह जी को कहा, चौधरी अजीत सिंह जी ने मुख्यमंत्री अखिलेश से बात की जी। और अखिलेश से बात करके उन्होंने कहा कि मैं मामले को दिखवाता हूँ। उन्होंने दिखवाया, ये पैसा भी सेंक्शन हो गया। लेकिन चुनाव के 2016 के लास्ट की बात है, 17 में चुनाव का बिगुल बज गया, घोषणा नहीं कर पाए, पैसा अलॉट हो चुका था। क्या कारण हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, 8 दिन के अंदर ही आते ही घोषणा कर दी कि रंबाड़ा की फैक्ट्री जो है उसका डबलीकरण होगा, उसकी क्षमता वृद्धि बढ़ेगी, क्षमता वृद्धि। हाँ उन्होंने घोषणा कर दी। और मैं घोषणा मैं ये भी आपको थोड़ा बताता चलूं राणा जी, सन 1998-99 में चौधरी अजीत सिंह जी ने ये पहले भी डबलिंग कराई थी जी। ये 12,500 कैपेसिटी, 12,500 क्विंटल गन्ना की कैपेसिटी की फैक्ट्री में लगी थी जी। सन 1978 में चौधरी चरण सिंह जी ने इसका उद्घाटन किया था, भारत के प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह जी, उप प्रधानमंत्री उस टाइम उन्होंने किया था, प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह जी ने उद्घाटन किया, चौधरी अजीत सिंह जी ने इसकी 99 में इसकी क्षमता वृद्धि कराई जी। और 2002 में फिर 2,500 क्विंटल की बढ़ी, 27,500 क्विंटल पे ये थी, अब फिर डबल तीसरी बार क्षमता, तीसरी बार ये क्षमता वृद्धि हुई। लेकिन अफसोस ये है कि चौधरी अजीत सिंह जी ने एक बयान तक नहीं दिया, हमने कभी बयान तक नहीं दिया, कभी इसका प्रचार प्रसार नहीं किया। और ये लोग मैंने देखा क्षमता वृद्धि हुई रंबाला चीनी मिल की, और मुरादाबाद गया, बरेली गया, उत्तर प्रदेश लखनऊ गया, वहां भी होर्डिंग्स लगे, धन्यवाद मंत्री जी, धन्यवाद गन्ना मंत्री जी, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, आपने क्षमता वृद्धि की, एक चीनी मिल की आपने क्षमता वृद्धि की। यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल का विधायक था, आपका विधायक बागपत में था, आपका विधायक बड़ोत में था, जिनकी गन्ना फैक्ट्री बागपत पड़ती है, उसकी क्षमता वृद्धि क्यों नहीं की? उसकी क्षमता वृद्धि रुहाणा में आपकी मिल पड़ती है, उसकी क्षमता वृद्धि क्यों नहीं की?
ये छपरौली में राष्ट्रीय मांग तो रमाला वालों की गई थी ना जी? नहीं, रमाला वालों की, रमाला वालों की नहीं थी, हमने पूरी तैयारी कर ली थी, पैसा मिल चुका था, 8 दिन के अंदर ही इन्होंने घोषणा की, वो सब काम हो चुका था। और मैं ये, मेरी वीडियो लाइव है, आप दिखा सकते हैं, फाइल पे देख सकते हैं, मुख्यमंत्री जांच करा सकते हैं मेरे शब्दों की, जो मैंने बोला ये हो चुका था, नहीं हो चुका था। लेकिन कोई, ये पहली सरकारों में इतने प्रचार प्रसार नहीं थे, अब प्रचार प्रसार ज्यादा है, काम कम है, ये स्थिति है। अच्छा विधायक जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, चलते चलते आप अपनी स्थिति स्पष्ट करें, व्यक्तिगत स्थिति। अच्छा, जो लोकसभा चुनाव में जो राष्ट्रीय लोकदल का समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से अलायंस हुआ, तो आप उसको किस रूप में देखते हैं, कि मतलब वो सही हुआ था या कहीं ना कहीं ये गलती है? आप स्पष्ट करें, आप अपनी व्यक्तिगत राय रखें जी। देखो, दलगत राजनीति से ऊपर, नहीं, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के मैं कहूंगा, एक विचारधाराओं की पार्टी है जी। मायावती जी ने गन्ने पे, आपने देखा होगा, 40 रुपए बढ़ाए। नहीं, एक तरफ चौधरी अजीत सिंह जी आरोप लगाते थे उन पे, मायावती जी पे, अखिलेश यादव जी पे, फिर उन्हीं के साथ मिल लिए, तो ये कहीं ना कहीं स्थिति स्पष्ट करें, मतलब जो अलायंस हुआ था ये। नहीं, एक, एक, एक ये दौर दौर चला गया बहुत दिनों से जी, मुद्दों पर आधारित राजनीति चली, सिद्धांतों की राजनीति कहीं नहीं चल रही। आपने ज्यादातर देखा होगा कि हमारा बीजेपी से भी अलायंस रहा, चौधरी अजीत सिंह जी कृषि मिनिस्टर रहे, हमारा सपा से भी रहा, कांग्रेस से भी रहा, हमारा कांग्रेस से भी रहा। और कौन दल, मैं ये पूछता हूँ कि बीजेपी का जब जनता दल बना तो बीजेपी क्या अलायंस मिली थी? कौन दल किसके साथ नहीं मिला? मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ आदरणीय विधायक जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप व्यक्तिगत रूप में किस रूप से लेते हैं, जो अभी लोकसभा में जो अलायंस हुआ था समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का। मैं राणा जी उसी बात को, मैं उसी को बता रहा हूँ आपसे, कि कौन सा ऐसा दल है जो एक दूसरे से ना मिला। उसके बाद भी हमारा तो राष्ट्रीय लोकदल में से गई समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह जी आदरणीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के शिष्य रहे, वे आज भी चौधरी चरण सिंह की पूजा करते हैं जी। और चौधरी अजीत सिंह जी को आज भी अखिलेश जी ये सब अपना नेता मानते हैं। पूजा की बात तो ये है जी, पूजा तो बीजेपी वाले भी करते हैं जी, चौधरी चरण सिंह जी की किसान मसीहा है, सभी सभी दल करते हैं, वो तो दलों से एक नेता देश में दलों से ऊपर उठ कर वही चौधरी चरण सिंह जी हुए, जिन्होंने किसानों की और देश की बात की। मैं ये कह रहा कि हम सपा से जो मिले थे, अब जब बहाव था धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, एक तूफान खड़ा कर दिया इन लोगों ने, इन्होंने तो, आपने देखा होगा गणेश जी को दूध पिला दिया था, पूरा भारत जो है इनका प्रचार प्रसार बड़ा उज्जवल तरीके का प्रचार प्रसार है इनका, और इनके प्रचार प्रसार में जनता का भाव पहले भी आया था, फिर आया, लेकिन फिर बहुत सालों तक नहीं आया। मनमोहन सिंह जी केंद्र में, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही 10 साल तक, फिर मनमोहन सिंह जी रहे, लेकिन अब की बार फिर इनका भूत सवार रहा। और ये जरूरी था कि विचारधारा एक जगह, सारी विचारधारा लड़के के सामने आया जा, और एक जगह ही ये विचारधारा इकट्ठी हुई थी। विचारधाराओं की लड़ाई है देश में, क्योंकि किसान गांव देहात की राजनीति राष्ट्रीय लोकदल करता है, और सब ये एक विचारधारा के लोग ही है जो है आज तो देश में। आप देश में देख रहे होंगे, देखो आज देश में देख रहे होंगे, पूंजीवाद खड़ा हो रहा देश में, सब प्राइवेटाइजेशन होने लग रहा देश में, सारी स्थिति बदल गई, रेलवे प्राइवेट में कर दी, डीजल पेट्रोल उसमें कर दिया। अभी आप देखो पाकिस्तान में जो है पेट्रोल डीजल पर रेट गिर दिया, लेकिन हमारे यहाँ टैक्स में ले लिया 23 रुपए केंद्र सरकार का, 23 रुपए टैक्स था केंद्र सरकार का एक लीटर पर, 29 कर दिया। जनता को तो दे ही नहीं रहे कुछ भी, जनता से तो ले ही रही है सरकार, जनता को मुझे बताओ क्या दिया इन्होंने? अच्छा, जनता को कोई चीज, नौकरी दी हो, जनता को कोई वो चीज दी हो, एक आधी तो बतावे। अब ये सारा जो पूंजीवाद पे चल रहे, सारे बड़े बड़े पूंजीपतियों को, कई अडानी अंबानी इनके सबके कर्जे माफ करती जा रही सरकार, इन्हें जो है रेल विभाग सौंपा लग रहे, यहाँ की राजकीय कॉलेज भी
उन्हें भी इनके अंडर में दे लग रहे, विद्युत को भी इन्हीं के अंडर में, मतलब हर जगह एयर इंडिया दे दी, कौन सी चीज छोड़ रहे, कौन सी चीज छोड़ रहे जी। जरूर जो आपके जो सुझाव हैं वो कहीं ना कहीं अभी कुछ दिन बाद हमारे साथ गन्ना मंत्री जी जुड़ेंगे, आशा करते हैं वो जल्दी जुड़े क्योंकि प्रदेश की बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। मेरी बात हुई थी अभी पिछले दिनों उनसे, तो जरूर वो ग्रामीण भारत संवाद से जुड़ेंगे, तो आपके जो सुझाव हैं वो जरूर मैं उनके सामने रखूंगा। तो आपने बहुत बेबाकी से मेरे सवालों के जवाब दिए आदरणीय विधायक जी, और आप यूं ही किसानों के मुद्दे, छात्रों के मुद्दे और जो क्षेत्रवासी हैं आपके छपरौली के उनके मुद्दे कहीं ना कहीं सरकार के सामने रखते रहें। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ मैं अब आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद।